सोलन में खाद्य सुरक्षा विभाग मिलावटखोरों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। अर्की, नालागढ़, बद्दी, कसौली और सोलन के विभिन्न क्षेत्रों में विभाग द्वारा विभिन्न सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 7 सैंपल फेल हो चुके हैं। ये जानकारी खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त LD ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि जिला सोलन वासियों के स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ न हो, इसके लिए खाद्य विभाग समय समय पर औचक निरीक्षण कर रहा है। विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों में सैंपल लिए जा रहे हैं। अगर कोई नियमों की अवहेलना करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाती है। अधिक जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त LD ठाकुर ने बताया कि उनके द्वारा 20 सैंपल जुलाई माह में भरे गए थे, जिसमें से 7 सैंपल फेल पाए गए हैं। इन सैंपलों में रेड चिली सॉस, विनेगर, चिकन और बेसन के सैंपल शामिल हैं। ये सैंपल सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांडेड पाए गए हैं। मिलावट के जिम्मेदार लोगों को नोटिस भेज दिए गए हैं और उचित कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर संबंधित व्यक्ति 30 दिनों के भीतर सैंपल रिपोर्ट को चैलेंज करते हैं तो उसके दोबारा से टेस्ट करवाए जाएंगे, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जुलाई महीने में 20 सैंपल भरे थे, जिसमें से 13 सैंपलों की रिपोर्ट आ गई है अब तक, और उसमें 7 सैंपल हमारे फेल, जैसे फेल क्या सब स्टैंडर्ड या मिस ब्रांडेड फूड एनालिस्ट ने डिक्लेयर किए हैं। उसमें से रेड चिली सॉस, विनेगर, मैरिनेटेड चिकन, स्नैक सॉस और बेसन के 3 सैंपल फेल पाए गए हैं। ये सैंपल इनमें जैसे सॉस में कलर निकला है और बेसन में फॉरेन स्टार्च मिलाया हुआ था, जैसे कि चने की दाल के साथ साथ जैसे आटा मिला हुआ था तो वो फॉरेन स्टार्च उसमें आए हुए, और सॉस में भी कलर मिला, जैसे रेड चिली सॉस है तो उसमें भी कलर डिटेक्ट किया हुआ है। तो जो भी FBOs हैं उनको हमने नोटिस भेज दिया हुआ है। नोटिस के बाद अगर वो 30 दिनों के अंदर अंदर जो फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट को चैलेंज करते हैं तो सैंपल को री एनालिसिस के लिए रेफरल लेबोरेटरी भेजेंगे, अदरवाइज जो भी कार्रवाई बनती है वो हम 1 महीने के बाद फिर उनके अगेंस्ट करेंगे।